इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें, और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। सत्येंद्र उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुपर चैट के लिए। ध्रुव सेन, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप अंगल, आप इलाहाबाद वर्तमान को कैसे देखते हैं? बहुत सारे हिंदू तो ये भी नहीं जानते कि कितने शंकराचार्य हैं। हिंदू नहीं जानते ध्रुव, तुम्हें इसकी भी एक कथा बताऊंगा। शंकराचार्य जैसे डॉक्टर है कोई, तो मैं तो डॉक्टर नहीं लगा सकता ना, एक पदवी है। मैं इंजीनियर नहीं लगा सकता। मैं प्राइम मिनिस्टर अपने पद के साथ लगा सकता हूँ क्या? क्या मैं राष्ट्रपति अपने पद के साथ लगा सकता हूँ? ये जो भौतिक पोस्ट है नहीं लगा सकते। पर शंकराचार्य का जो धर्म का ध्वजा था उसको डाइल्यूट किया कांग्रेस भाजपा दोनों ने मिलकर, और दोनों ने अपने अपने शंकराचार्य खड़े कर दिए। उसमें ओरिजिनल शंकराचार्य गायब हो गए, गायब हो गए। ये आप कोर्ट की कहानी पढ़ो, मैं कहोगे तो किसी ने दे दूंगा कि संघ परिवार ने अपने शंकराचार्य खड़ा किए, कांग्रेस ने पहले अपने स्वरूपानंद खड़ा किए, फिर संघ परिवार ने अपने शंकराचार्य खड़ा किए, ओरिजिनल शंकराचार्य गायब हो गए। यानी इतने शंकराचार्य हो गए कि पूरा युद्ध पीढ़ी जो है भ्रमित हो जाए, और उसमें क्या होगा, शंकराचार्य जी के जो महत्ता है पोस्ट है वो डाइल्यूट हो जाए, स्वार्थी लोग पॉलिटिकल पार्टी से सांठ गांठ करके शंकराचार्य बनते रहे, और पूरा हिंदू धर्म का जो अनैतिक आधार था उसको विलोप कर दिया, सब साफ हो गया, वो प्रभावहीन हो गया पूरा। उसकी एक अलग कहानी, मार्मिक कहानी, बहुत मार्मिक कहानी, लेकिन कहां कहां बताऊं, क्या क्या बताऊं, ये तो समझ कर कोई कल्चरल समझ ही नहीं हम विकसित कर पा रहे। हम रात दिन चुनाव में खड़े हो गए हैं एक पांव पे, ये तो समस्या है। हमें तो पढ़ना होगा, पढ़ाना पड़ेगा, उपाय कुछ नहीं है। सुभाष जी महाजन कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच, सुप्रीम कोर्ट में हरे टिड्डे भरे पड़े हैं, साजिश की कहानी से सब कुछ समझ में आता है, और मैं उस जमाने से तभी मैं लिख रहा हूँ। आपको लगेगा साजिश की कहानी नरेंद्र मोदी जी पे लिखी गई है, पर साजिश की कहानी हिंदुओं के विरुद्ध साजिश की कहानी मैं उस जमाने से लिख रहा हूँ। पत्थर सर फोड़ रहा हूँ, नौकरी नाकरी छोड़ छाड़ के भी, कि थोड़ी जागृति लाऊं, पर बहुत जागृति तो आई ही है। और आप देख लीजिए कि अभी जो हरियाणा में वो प्रदेश है उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, बंगाल में हिंदू मारे गए उसके बाद उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, याकूब के लिए है, अफजल के लिए है, सुप्रीम कोर्ट समय ही समय है। क्यों? क्योंकि हमने अपने आध्यात्मिक नैतिक जो वो दबाव था उसको लूज कर दिया है, इसलिए ये हो रहा है। और वो सरिया कानून लागू करवा लेते हैं कोर्टों से, वो लागू करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नैतिक दबाव अपना बना रखा है, और हिंदू समाज को हमेशा राजनेताओं के पीछे टहला दिया गया, और वो जो उनकी आध्यात्मिक सत्ता थी उसको डाइल्यूट कर दिया गया, 1000 शंकराचार्य पैदा कर दिए, नाम ही नहीं पता, ठीक कह रहा ध्रुव, नाम ही नहीं पता है, डाइल्यूजन डाइल्यूजन। एक गांधी आए वो संत बन गए अपने आप को, शंकराचार्य की पूरी महिमा खत्म करने के लिए। उसके बाद आजादी के बाद नेहरू आए, नेहरू ने कहा एक हिंदू संगठन बनाया, इस संगठन से मान्यता प्राप्त हिंदू संगठन ही माने जाएंगे, तुम क्या हो, क्या हो तुम, फिर कहानी शुरू हुई। तो हिंदू धर्म की जो नैतिकता थी, जो इनको भ्रष्टाचार से रोकता था, इनको अनैतिकता से रोकता था, इनको तुष्टिकरण से रोकता था, उस पूरी नैतिकता को खुरचने का काम किया गया आजादी के बाद। ब्रह्म गौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुपर चैट के लिए। फॉलो आवर रिलीजन एंड प्रैक्टिस व्हाट यू रीड इन द बुक्स, मोस्ट पीपल रीड लॉट ऑफ हिंदू रिलीजियस बुक बट दे डोंट फॉलो इन देयर लाइफ। ये सही बात है, हम गीता पढ़ते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते, रामायण पढ़ते हैं फॉलो नहीं करते। रामायण में जब रामचंद्र जी तारका का वध करते हैं, और आप जब आज हम कह दें कि तैमूर की अम्मी, आप संदीप जी आपको शोभा नहीं देता, आप ऐसे भाषण एक औरत के लिए बोल रहे हो, और जब तारका का वध करना होता है तो राम जी कंफ्यूजन में है, और विश्वामित्र कहते हैं कि राक्षसी को मारना धर्म है, पर हम अगर तैमूर की अम्मी कह दे तो आज चार हिंदू उठ के हमको कहेंगे संदीप जी आपका आचरण उचित नहीं। तो हमने अपने धर्म को लाइफ में नहीं जिया, वो जो कह रहे हैं कि दे डोंट फॉलो इन देयर लाइफ, कि हमने अपने जीवन में उसको नहीं जिया, इसलिए दिक्कत आ रही है। रवि वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रवि वर्मा तो बड़े रहे। अगर उन
दो लड़कियों को निकाह 50 साल के बजाय 20 साल के हैंडसम जादू से हुआ होता तो शायद मामला इतना बड़ा नहीं होता। बड़ा करारा व्यंग किया है रवि जी ने, बहुत करारा, इस सिरसा और सुखवीर बादलों के लिए पर करारा व्यंग है, बहुत ही करारा व्यंग है, इसमें पीड़ा भी और व्यंग भी है। साइकोटेक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब क्या आप कुछ नहीं किया जा सकता धन को बचाने के लिए? क्यों नहीं हो सकता? आप पढ़िए तो, आप जाकर, भाई मैं आपको बार बार कहता हूं, कल्चरल क्रांति, जब बौद्ध धर्म भ्रष्ट बौद्ध धर्म का ने सनातन को लील लिया तो शंकर की क्या हुई? कल्चरल क्रांति। रामानुजाचार्य की, माधवाचार्य की कल्चरल क्रांति। जब ये जो है हरे टिड्डो वालों ने लीलने का प्रयास किया तब क्या हुआ? कल्चरल क्रांति। गोरखनाथ हो, तुलसीदास हो, सूरदास हो, मीरा हो, चैतन्य हो, रविदास हो, कल्चरल क्रांति। जब अंग्रेज पुर्तगालों ने हमें लीलने का प्रयास किया तो फिर हुआ कल्चरल क्रांति। वो आर्य समाज के दयानंद सरस्वती हो, वो रामकृष्ण परमहंस हो, वो विवेकानंद हो, वो श्री अरविंद हो, तो कल्चरल क्रांति ने आपको बचाया। और वो जानते थे महात्मा और ब्रिटिशर कि भारत कल्चरल क्रांति से बच जाता है, इसलिए उन्होंने एक नकली महात्मा पैदा कर दिया। महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स एजेंट थे, क्योंकि जब लोकमान्य तिलक, एक कल्चरल प्रभाव था उनका, गीता आप देखिए तो उनमें कल्चर और पॉलिटिक्स दोनों समाहित होता है। लोकमान्य तिलक जब परदेश से हटे, उनकी मृत्यु हो गई, तो गांधी आए और गांधी को अंग्रेज जानते थे कि भारत संतों के पीछे जाएगा, धर्म के पीछे जाएगा, इसलिए दो टुकड़े में नाटक किया गया कि दो टुकड़े का वस्त्र अधेरा, और चर्चिल कह रहा है नंगा फकीर और हम खुश हो रहे हैं नंगा फकीर। कैसे लाया गया? पूरा ब्रिटेन की मीडिया को सेट किया गया कि इनके एक एक चीज को हमें हाईलाइट करना है, मीडिया मैनेजमेंट, और उसके लिए यहाँ के राजवाड़ों से कहा गया कि उस ब्रिटिश पत्रकार का फंड आप करेंगे। ब्रिटिश राजवाड़े पॉलिटिक्स जो उस समय के उद्यमी थे वो फंड करते थे, गांधी उस फंड से महात्मा बनते जाते। ये पूरी कहानी है, ये इतिहास है, लिखा हुआ चिट्ठी है भाई, महात्मा गांधी के हाथ का चिट्ठी है, हम थोड़ी कह रहे हैं। तो वो जानते थे कि कल्चरल खड़ा हो गया फिर से तो दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए अंग्रेज, इसलिए एक ऐसा व्यक्ति पैदा करो जो कल्चर और पॉलिटिक्स का मिक्स हो। तो गांधी खड़ा किया गया, आज भी वही रूप हो रहा है कि आपको किसी को लगेगा किसी में कि ये कल्चरल भी है और ये पॉलिटिकल भी है, गलत फहमी में आप मत रहिए। कल्चरल एक अलग धरातल ही अलग है, उसके अंदर अध्यात्म की तेज होती है, वो अध्यात्म का तेज होता है, वो अलग एक सत्ता होती है। वो जब मनु को भेजते हैं ब्रह्मा जी तो साथ में वशिष्ठ भेजते हैं, मनु को ही वशिष्ठ नहीं बना देते। वेद व्यास जी जब आते हैं तो वो इतने बड़े शांतनु, इतने बड़े युधिष्ठिर, उसी को धर्म का भड़े ज्ञाता हो युधिष्ठिर, लेकिन सलाह तो कृष्ण और वेद व्यास देंगे। धर्म की सत्ता अलग रही हमेशा, यहाँ पॉलिटिक्स में धर्म को घुसेड़ दिया गया है, और इसीलिए हम पॉलिटिकल लोगों को भी महामानव मान लेते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी नैतिकता की हार होती है। आदित्य जैन कह रहे हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता है और इंडिया स्पीक डेली का पोर्टल इसका वाहक बन रहा है। मैं तो चूहा हूं, गिलहरी हूं, लेकिन मुझे वो पूरा अध्ययन है कि मैं जानता हूं कि अध्यात्म ही भारत को बचाएगा और कुछ नहीं बचाएगा। एक मैं आपको बताया कि अध्यात्म से पगा हुआ एक संत जिसका सोशलाइजेशन नाथपंथ में हुआ, वो जानता है कि प्रयागराज क्यों करना है इलाहाबाद को, वो जानता है कि फैजाबाद को अयोध्या क्यों करना है, वो जानता है कि अयोध्या में इतने लाख दीपक जलाकर राम की भव्य बड़ी प्रतिमा बनाकर क्या इसका इंपैक्ट होने वाला है, वो जानते हैं कि धर्मांतरण रोकने के लिए लॉ क्यों बनने चाहिए, वो जानते हैं कि रोमियो स्क्वाड क्यों होने चाहिए, वो जानते हैं कि ये जो हरे टिड्डे हैं इनके पोस्टर छपाने का क्या मतलब है। तब आपको समझ में आएगा चीज, ऐसे नहीं, ये आपको अपने अंदर अध्यात्म को जीना होगा, किसी दूसरे पे दोष देते देते हिंदू मर गया, अपने अंदर जीना होगा। नीति जी कह रहे हैं कि आज का समाधान वन नेशन वन इलेक्शन में है, क्योंकि जब तक इलेक्शन भारत में होते रहते हैं और इससे सरकार हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और कोई सख्त निर्णय नहीं ले पाती,
नीतीश जी, मैं उसकी बात ही नहीं कर, पॉलिटिक्स वन नेशन वन इलेक्शन भी होगा तब भी पूरे दिन, क्योंकि पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस चालाक हैं, वो आपको इन्वॉल्व किए रहेंगे ताकि आप सोच ना पाए, आप कल्चरली ना जाए, वो बात की बात है। हम अपने घर से अध्यात्म की शिक्षा शुरू करें, हमारे बच्चे, हमारा बच्चा अगर समझदार हो गया, हिंदू धर्म को जिएगा, तो किसी धर्मांतरण विरोधी कानून की जरूरत नहीं, वो हर टिड्डो को दूर से पहचानेगा। और जो धर्म की सत्ता शुरू होगी तो वो प्रेशराइज करेगी पॉलिटिकल को, इसीलिए डाइल्यूट किया गया आजादी के बाद शंकराचार्य के पदों को, इसीलिए भारत में शंकराचार्य दिवाली की रात गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कहीं कुछ शोर नहीं मचता, क्योंकि डाइल्यूजन इतना अंदर तक है, इतना अंदर तक है। किसी आत्मानंद के लिए कोई भी शोर नहीं मचता, किसी साध्वी के लिए शोर नहीं मचता, क्योंकि डाइल्यूजन इतना हो चुका है। तो वो हमें अपने घर से प्रारंभ करना होगा, तो जाके हम बच पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो रहा है। 9 राज्य अभी हमारे चले गए आजादी के बाद, अब क्या होगा? हस्ती नहीं मिटती हमारी, फलनामा ढेकना, मैं भी कभी कुछ समय कहता था, हम मिट रहे हैं। हमने जब पढ़ाई शुरू की पूरी दुनिया में थे, लेकिन जब हम पूरी दुनिया में थे तो सिकुड़ते सिकुड़ते भी तो हजारों वर्ष लगेंगे, तो वो सिकुड़ते 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 हम एकदम और अंत में गर्व की तरह हमारा जैसे गर्भ से निकलते हैं और मृत्यु के बाद गर्भ में प्रवेश करते हैं, वही हालत होगा। हम सिकुड़ते, हम पूरी सिकुड़ते सिकुड़ते जो हमारा पाताल लोक है वो कोई जमीन के अंदर गड़ा हुआ नहीं, वो अमेरिका है, वो ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ने भी लिखा इस बात को, इसलिए ये मत कोई कह देना कि अपने मन से गल्प मार रहा है। लेकिन हम सिकुड़ते सिकुड़ते रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है, सिंधु की यहाँ थ्योरी हिंदू बना दिया, पर इंडियन इंडस वहां तो नहीं है कोई इंडस नदी, क्यों कहा गया हमको? हम सोचते नहीं, हम सवाल नहीं करते। दीपक सिंह सोलंकी, बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, क्या पुस्तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भेज सकते हैं, शायद इन्हें पढ़कर उनको कार्रवाई करने की हिम्मत है। पढ़ के समाज को पढ़ना है। अकबर को रामचरितमानस नहीं भेजा तुलसी ने रामचरितमानस से समाज को खड़ा किया। पहले हम तो जान जाए, हमारी इतनी नैतिकता हो तब तो हम सवाल कर पाए सत्ता से, हमारी नैतिकता ही नहीं, हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। शस्त्र शास्त्र प्रशिक्षण जो हम केंद्र शुरू करेंगे, उसमें मैं हिंद पॉलिटिकल राजनीति, पॉलिटिकल अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल समाजशास्त्र, सॉरी हिंदू राजनीति, हिंदू अर्थशास्त्र, हिंदू समाजशास्त्र, हिंदू इतिहास, इन सब के पढ़ाने की व्यवस्था होगी। मैं रात के 2-2, 3-3 बजे नहीं सोता हूँ, उठ जाता हूँ, ये क्या हो रहा है चारों तरफ और हम नहीं समझ पा रहे हैं। अखंड भारत कह रहे हैं कि हिंदू कम्फर्ट जोन में फंस गया, वो ठीक कह रहे हैं, उस कम्फर्ट जोन को तोड़ना होगा, तब जाके हम जी पाएंगे और जीत पाएंगे। ब्रह्म गौर जी बहुत धन्यवाद, कह रहे वी फॉलो योर धर्म इन योर लाइफ, when follow your dharm in your life then you become fearless। बिल्कुल, भय रहित तभी हो पाओगे जब आप अध्यात्म हो। और यहाँ आप ही खुद देखो और सत्ता देखो, 5 साल बाद इनके बाद कौन आएगा, ये वो भी डरे हैं, वो आपको भी डराते हो और आप भी डरे हो, यानी आपके अंदर धर्म की उस्मान नहीं है। ब्रह्म गौर जी तो कह ही रहे हैं, धर्म जिसने धारण किया वो तो डरेगा ही नहीं। यू से वट एवर यू फील टू एनीबडी विदाउट फियर। भय जिसके अंदर है वो धर्म से दूर है, इस एक शब्द से भी समझ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप भी डरे हो, 5 साल क्या होगा, इनके बाद कौन होगा, वो भी डरे हैं, यहां नहीं आओगे तो वो आ जाएंगे तो तुम्हारा नाश कर देंगे, वो भी डरे हैं। ये सब डर वाले अध्यात्महीन है, ठीक का तो कर रहे हो। भीष्म पितामह जानते थे आज मेरा वध होगा, शिखंडी को लेके आ रहा है, पर वो डरे नहीं थे, वो धर्म को जीते। तो जो धर्म को जीता है उसके अंदर से डर समाप्त हो जाता है। आपको एक ही पहचान है पॉलिटिक्स, नेता, अपने साथी, अपने परिवार सबको जानने के लिए कि जो डरा हुआ है वो अध्यात्महीन है। और मैं पॉलिटिक्स के लिए, अब मैं सिर्फ अध्यात्म जो है, ठीक है, मैं न्यूज आपको बताता रहूंगा, परंतु एक सोशलाइजेशन का प्रोसेस शुरू करना है जिसमें हिंदू, अब क्या है समाजवादी, अगर हमने अच्छा कपड़ा पहना है, संदीप पैसे कहां से ला रहा है, पर मैं फटीचर हूं, आ हा हा संदीप, ये समाजवाद है, पर हम जो अच्छे पहन रहे हैं ये सनातनवाद है। हमारे राजा, हमारे प्रभु, कोई भी हमारे प्रभु जो है ईश्वर, वो किसी भिखारी की तरह नहीं पैदा हुए, उनके जो अब्राहमिक रिलीजन में पैदा हुए। हमारे यहां धर्म धन की माता है,
जिनकी पूजा करते हैं, लेकिन हमने 36 इंच के शर्ट को केजरीवाल को मान लिया। तो हिंदू अर्थशास्त्र, हिंदू समाज शास्त्र, हिंदू इतिहास, हिंदू राजनीति, हिंदू राजनीति जब समझेंगे तो आपको लगेगा ये सब प्रपंच चल रहा है, ये सत्ता सिर्फ प्रपंच चल रहा है। इसीलिए कोई विक्रमादित्य नहीं हो सकता। विक्रमादित्य तब हुए जब उन्होंने अपने समकक्ष मजबूत मंत्रियों की फौज खड़ी की। आज हमारे मंत्री सब गिड़गिड़ाते रहते हैं, ट्वीट ट्वीट करते रहते हैं, नवरत्नों की फौज खड़ी की, तब जाके विक्रमादित्य आज हम कह पाते हैं। नवरत्न यानी एक पर एक ब्रेन। पुष्यमित्र शुंग डरा नहीं कि कोई पतंजलि आके सत्ता हमसे छीन लेंगे, पतंजलि उनके राजगुरु थे, ये तो मौर्य साम्राज्य की बात की कहानी। और हिंदू शासक बौद्ध तो पूरा नष्ट कर चुके थे सब, तो उन्होंने कहा कि फिर से पतंजलि की देखरेख में, पतंजलि राजगुरु थे उनके, पुराणों का सब शास्त्र फिर से लिखवाए गए। आज 7 साल हो गए, भारत के इतिहास में भी नहीं पढ़ाया जाता। तो हिंदू का जो लॉन्ग टर्म विजन, वो पुराण तो लुप्त हो चुके होते अगर तुंग वंश में नहीं लिखे जाते, वो लॉन्ग टर्म विजन उन्होंने सोचा तो आज हमारे पास है। ये लॉन्ग टर्म विजन नहीं है हम कि 7 साल हो गए कोई एक इतिहास की, रोमिला थापर वही है, अरुंधति राय वही है, सबुति की किताबें चल रही है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। कालिदास, गुप्त साम्राज्य जो सबसे स्वर्णिम काल था, वराहमिहिर जिसका एक आप कुतुब मीनार कास्ता में देखते हो, उनके बनाए हुए, हम उसको नहीं बदल पा रहे। वो जो गुलाम वंश का संस्थापक था, वो गुलाम वो हमारे सर पे पिलर गाड़ के खड़ा है, मेरा ही पिलर अपने नाम से गाड़ कर खड़ा है, ये कल्चरल बात। तो जाके हम जीतेंगे, जब तक हम नहीं कल्चरल होंगे हम नहीं जीत सकते। पहले हमें अपने अंदर अध्यात्म, पहले किसी को नहाने के लिए कहने से पहले स्वयं तो गंगा में डुबकी लगाएं, तभी तो दूसरों को कहेंगे। करें सभी माता पिता को धर्म इतिहास का ज्ञान नहीं है, कुछ तो इच्छुक भी होते हैं, वही भाग जाते हैं और उनके बच्चे भी भटक जाते हैं। बिल्कुल ठीक पूर्णिमा जी कह रही, क्यों ज्ञान नहीं, क्योंकि ये जवाहरलाल नेहरू ने देखा, ब्रिटिशर्स ने जब महात्मा गांधी को खड़ा किया, महात्मा गांधी एक टूल सापुल किसी से मत ही चकी। क्या होगा आप राजनीति में विधायक नहीं बन पाएंगे, किसी साध्वी प्रज्ञा की तरह प्राइम मिनिस्टर आपका चेहरा नहीं देखेंगे, लेकिन क्या होगा, पर आप सस्तो बोल पाएंगे, अपना अपने चेहरे से आंख तो मिला पाएंगे। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने देखा कि हिंदू इसलिए कि इसका जो धर्म है वो फिर से इनको जीवित कर देगा। ब्रिटिशर्स जानते थे, आजादी के बाद से ही शुरू हुआ और शंकराचार्य सारे मठ सब परंपरा खत्म कर दिया गया, ताकि आपके एक बात बताओ, जब मैं नैतिक नहीं हूं तो मेरा राजा भी नैतिक नहीं रहेगा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना, फिर दोनों बराबर हो गए। और इतिहास है आपको, मैं हिंदू श्रेष्ठता जो पुस्तक कह रहा हूं पढ़ने को, कि हिंदू उसमें लिखा हुआ है कि हिंदू झूठ नहीं बोलते, घर खुले रहते हैं उनके, कोई चोर उनके यहां नहीं घुसता, लेकिन यहां तो हवा खाए जा रहे हैं, कोयला चुराया जा रहे हैं, ऐसा पतन काल हुआ कि हवा कोयला खा के यूपीए खा गई सर। आज किसका जयंती, आज जो है नरसिम्हा राव की शायद जयंती है उनकी, नरसिम्हा राव की, जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर हुए कांग्रेस की, जिन्होंने आर्थिक उदारीकरण दिया, लेकिन वो चूंकि गांधी परिवार से नहीं थे तो उनके सब तक ठीक से नहीं जलने दिए गए। और उस आर्थिक उदारीकरण का आपको जैसे कुतुब मीनार का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया आपने, जैसे अल्लाहाबाद का श्रेय प्रयागराज ब्रह्मा जी की जगह उस अकबर को दे दिया हमने, वही काम हमने किया कि नरसिम्हा राव के आर्थिक सुधार का श्रेय उस मनमोहन को देकर रोबोट को बैठा दिया। और हमारी दिमाग यही चलते, आज के उदाहरण ही है, आज के उदाहरण है कि किसी को विस्मृत करना हो तो आप नरसिम्हा राव को भूल गए, मनमोहन याद है, ऐसे विस्मृत कराया जाता है, ये उदाहरण है। अमित मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए कि जो है भगनी निवेदिता ने रिलीजन एंड धर्म में लिखा कि राजा हो तो जनक जैसा, बिल्कुल, भिक्षार्थी हो तो सुखदेव जैसा, राजा का भी आदर तो उपभोग शून्य स्वामी विदेह जनक का, योगी राजर्षि जनक है। और जनक पे मैंने पूरे रामायण में सुनाया आपको, तो राजर्षि कोई नहीं हो पाया, पर हम पढ़ ही नहीं पा रहे ना, इसलिए हमको देखिए ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। जिस अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई टहला नहीं पाएगा, मैं बार बार रोज यही बात कह रहा हूं। पार्थ शुक्ला जी बहुत धन्यवाद आपका।
लेफ्ट विंग एंड राइट विंग बिलोंग टू सेम बट क्वेश्चन इज हु वांट्स द वर्ड सच द ऑनर एंड हिट हार्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम टेल इज फुल ऑफ मनी। पार्थ जी, राइट विंग के पास और लेफ्ट विंग और राइट विंग में एक अंतर है, लेफ्ट विंग पढ़ता बहुत ज्यादा है क्योंकि उसको इसको ध्वस्त करने के लिए पढ़ना पड़ता है, राइट विंग उसको बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा, परंतु वो मूर्ता बहुत करता है, कुतर्क बहुत करता है वो उसको, और इसीलिए वो उनके तर्क के जाल को तोड़ नहीं पाता। इसीलिए आज भी अरुंधति राय की पुस्तक पढ़ने के लिए खुद प्रधानमंत्री के निर्देश वाला माई गोव में जो अधिकारी बैठे होंगे, कोई ब्यूरोक्रेट बैठा होगा, वो कह रहा बच्चों को कि ये नहीं कह रहा है कि आपको सीताराम गोयल को पढ़ना है या के एम मुंशी को पढ़ना है या सावरकर को पढ़ना है, वो कह रहा आपको अरुंधति राय को पढ़ना है, क्योंकि वो जहां रहता है अपने एजेंडे में रहता है, राइट विंग जहां भी रहता है आ जाता ही अपने एजेंडे को भूल जाता है और वो सबसे पहले लेफ्ट विंग से सर्टिफाई होना चाहता है। तो राइट विंग का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत रखाता हूँ, लेफ्ट विंग का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है क्योंकि वो पढ़ता बहुत। साइकोटेक सर, अध्यात्म पर रेगुलर वीडियो डाला कीजिए प्लीज, कोई नहीं देखता, कोई भी नहीं देखता है, आप देख लो ना, अध्यात्म का एक चैनल ही बना रखा था मैंने, इसमें भी कोई नहीं देखता जी। आजकल लोगों को बस, और वो सोचते हैं यही समाधान है, ये आदमी आ गया ये मेरा समाधान है, ये आदमी आ गया ये समाधान है, अब मैं क्या कहूँ। दादाजी बहुत बहुत प्रणाम आपको, जय श्री कृष्ण, सराहनीय कार्य आपका, आशावान हूँ कि कुछ तो अंतर पड़ा हिंदू समाज पर, जैसे संस्कारित होंगे परिणाम दृष्टि गोचर होंगे। बिल्कुल, जागृति ही एक उपाय है बचने का और कोई उपाय नहीं, और इसलिए मैं इतिहास से हमेशा यात्रा करता बोलवाता हूँ, जागृति ही उपाय है। मैं अब इसको समाप्त करता हूँ, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।